भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक महोत्सव के पावन अवसर पर इंदौर में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में भक्तों ने खूब प्रभु भक्ति की। इस अवसर पर कृत्रिम स्वर्ण भद्रकूट के समक्ष भक्तों ने मुनि संघ के सानिध्य में निर्वाण लाडू अर्पित किया। 11 अगस्त को इंदौर जैन समाज ने 23वें तीर्थंकर श्री 1008 पार्श्वनाथ जी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव को धूमधाम से मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में मनाया। प्रभु भक्ति के इस क्रम में अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त प्रांगण में एकत्रित रहे। भक्तों की भक्ति से पूरा स्थल सराबोर था। आयोजन के क्रम में भक्तों ने मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के मंगल निर्देशन में पूजन विधान में सहभागिता करते हुए शुभ तत्वों के अर्घ्य अर्पित किए। इस दौरान पूरा प्रांगण विधान पाठ से गूंज रहा था। हम जब भी पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं, कमठ की याद खुद आ जाए है। पार्श्वनाथ भगवान चले गए लेकिन उनके संदेश अभी हैं। हम जब भी पार्श्वनाथ भगवान को याद करते हैं तो एक तरफ पार्श्वनाथ तो उनके साथ कमठ अपने आप आ जाता है, पार्श्वनाथ भगवान के साथ कमठ जुड़ा है, राम के साथ रावण जुड़े हैं, कृष्ण के साथ कंस जुड़ा है, महावीर के साथ मारीच जुड़ा है और पार्श्वनाथ के साथ कमठ जुड़ा है। पार्श्वनाथ भगवान चले गए, उनके संदेश आज भी हमारे बीच और कमठ आज भी संसार में। कमठ के संदेश ही नहीं, कमठ के कृत्य भी आज हम सबके बीच हैं। जब हमारी दृष्टि कमठ पर जाती है तो हमें द्वेष दिखता है, विद्वेष दिखता है, विरोध दिखता है, विग्रह कलह दिखता है और हमें वैर दिखाई पड़ता है। गुरुवर की मंगल देशना से अभिभूत होने के बाद भक्तों ने मुनिवर के सानिध्य में कृत्रिम श्री समेत शिखर जी की स्वर्ण भद्रकूट पर निर्वाण लाडू चढ़ाकर अपने कर्मों की निर्जरा की। जन फोकस के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम ह्रीम श्रावण शुक्ल सप्तम्या मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः।